हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू किचन स्पेशल विद कविता। आज मैंने बनाया है ओरियो डेजर्ट विद द हेल्प ऑफ ओरियो बिस्किट। वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस आउट एनी वीडियो। ओरियो बिस्किट डिज़र्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने दो छोटे पैक्स ओरियो बिस्किट के लिए विच इज़ ऑफ चॉकलेट फ्लेवर। आप कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हो, विच एवर यू लाइक। यहाँ पे मैंने अपने सारे ओरियो बिस्किट्स को लिया और मैं इसे प्लास्टिक बैग में डालने वाली हूँ ताकि मैं इसे क्रश कर सकूँ। आपको इसका पाउडर नहीं बनाना है, अदरवाइज टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। विद द हेल्प ऑफ अ बेलन आई एम क्रशिंग ऑल माय ओरियो बिस्किट समवट टू अ रफली टेक्सचर। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है। यहाँ पे मैंने बिस्किट को अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, ये हल्का दरदरा सा है। बिस्किट के मिक्सचर को स्मॉल ग्लास के जार में आपको ट्रांसफ़र करना है, 2 टेबलस्पून। गोइंग टू फ्लैट द टॉप ऑफ दिस मिक्सचर विद द हेल्प ऑफ अ पेस्टल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी स्मॉल स्पून की हेल्प से भी ये कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग ऐड करने जा रहे हैं व्हिपिंग क्रीम एज अ सेकेंड लेयर। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं हो तो आप अमूल फ्रेश क्रीम के साथ मिल्क पाउडर ऐड करके उसे ब्लेंड कर ले अच्छी तरीके से। इट विल वर्क सेम एज व्हिपिंग क्रीम। यहाँ पे मैंने टैप ऑफ किया है ताकि ये एक स्मूथ एंड फ्लैट लेयर बन जाए। यहाँ पे एक स्पून की हेल्प से जो क्रीम है उसे मैं फ्लैटन आउट कर रही हूँ। जितना भी हो सके आप ज़रूर करें, अच्छा लगेगा। आफ्टर द लेयर ऑफ क्रीम मेक श्योर कि आप ग्लास के साइड्स को क्लीन ज़रूर कर लें। उसके ऊपर फिर से मैं 2 टेबलस्पून ऑफ क्रश्ड ओरियो डालूंगी एंड देन अगेन आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस ऑफ फ्लैटनिंग आउट। इसे मैं एक स्पून की हेल्प से फ्लैट आउट कर रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा प्रेस करोगे गाइस तो जो नीचे का लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकता है। आइसक्रीम की जो कंसिस्टेंसी होती है वो थिक नहीं होती है। नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द लास्ट लेयर ऑफ द ओरियो बिस्किट डेजर्ट। और यहाँ पे मैंने फिर से व्हिपिंग क्रीम यूज़ किया है और मेक श्योर कि आप इसे ग्लास के टॉप तक फिल कर दें, इससे ज़्यादा फिल ना करें, अदरवाइज अच्छा नहीं लगेगा। इस डेजर्ट को डेकोरेट करने के लिए मैंने व्हिपिंग क्रीम के ऊपर कुछ चॉकलेट सिरप्स डाला था एंड देन आई एम गोइंग टू ऐड ऑल दिस पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ अ टूथपिक। आप अपनी मनपसंद की कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। फॉर सेटिंग ऑफ दिस डेजर्ट आई एम गोइंग टू पुट दिस इन टू द फ्रिज फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes, नॉट मोर देन दैट। आवर डेजर्ट इज़ रेडी टू बी सर्व। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।